इंडियन मैच देखकर वो खड़े हुए हैं, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो भी जलसे में आ जाए। असल में तो बेचारे सारे मेरे ख्याल में कप्तान के शदाई हैं, लेकिन वो जो गई भी है ना अपनी कोई सर्जरी छोटी सी कराने, उससे डरते हैं। सनम, आपने कितनी रुकावटें उभूर करके यहाँ पर पहुंची है जलसा गांव में? सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा कंटेनर्स थे, जगह जगह कंटेनर्स थे और जगह जगह जो है वो ट्रक लेके पुलिस खुद खड़ी हुई थी और जगह रास्ते बंद कर रही थी, मगर हमने आना था, हम पहुंच गए। और इस तरह अगर आप लोगों को इतना ही लगता है कि लोग नहीं निकलेंगे तो इस तरह रास्ते बंद ही करने चाहिए, आने देना लोगों को, पता चले कितने लोग खान के सपोर्टर हैं। अगर आप तो कहते हो उसकी फॉलोइंग ही नहीं है कोई, तो फिर आने दे लोगों को, रास्ते क्यों बंद करते हैं? हर दफा 144 क्यों लगा देते हैं? ब्रह्मा बातर पे कम से कम भी 100 से ज्यादा इन्होंने दोनों साइड पे कंटेनर और तकरीबन 10-10 प्रिजन वैन चकवाल की और पंजाब पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है। हमने तो उन्हें दावत दी है कि आप इधर जलसे में ही आ जाए, क्यों हसरत से वहाँ मुंह लेके अपना खड़े हुए, कोई तो जिंदगी में अच्छा काम। अच्छा, मुझे ये बता दें कि सर्जरी कराने जिनेवा गई है या गले की, तो क्या कहेंगे? एक तरफ लाहौर के लोग हैं जो वहाँ मर रहे हैं और वो जिनेवा चली गई है। देखिए, उनका हर चीज इम्पोर्टेड है, ठीक है, और जब उनको थोड़ी सी कांपे टांगनी शुरू होती है तो फिर वो यहाँ से भाग जाती है। अब नवाज शरीफ की तो 99% पहले ही दिमाग की सिरियाने बंद थी, वो जब प्रेशर ज्यादा आता है तो और बंद हो जाती, वो खुलवाने गए हैं। बीबी साहिबा फरमा रही हैं मरियम बीबी की गला खराब है, बिलावल की पेट में चर्बी ज्यादा हो गई है, उनके अब्बा जी का पाँव का टखना टूट गया, समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या भौंचाल आया कि अचानक ये सारा चिड़ियों का चंबा उड़ गया है यहाँ। साहिबा, खवातीन को आप लीड करते हुए यहाँ पर पहुंची है, खवातीन ने कैसे कंटेनर्स को रुकावटों को उबूर करके यहाँ पर पहुंची, कैसे आप लोगों ने अटैक किया? खवातीन इमरान खान के जो दस्ता है उसकी हरावत दस्ते की सिपाही है, मुझे उन्हें लीड नहीं करना पड़ता, खान की एक आवाज होती है और ये अपनी सारी जिंदगी के जो भी इनकी जिम्मेदारी है उनको पीछे रखते हुए अपनी कौमी जिम्मेदारी खान के नजरिए के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी को नंबर वन पर लेती है और पहुंचती है। बहुत दूर से पैदल चल के आ रही है, मैं भी पैदल आई हूँ क्योंकि सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। बहुत शुक्रिया। आप भी पैदल आई यहाँ पर? आने में काफी पहले आ गई थी तो मैं, इसलिए मुझे रश नहीं मिला, मैं पहले आ गई। ये बताइए, आप इतनी मुश्किल सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी डटी हुई है इमरान खान के साथ? देखिए, हम सिर्फ खान साहब के लिए डटे हुए, ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे बच्चों के, हमें एक बेहतर पाकिस्तान चाहिए, हमारे लिए खान डटा हुआ है, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो भागा नहीं हमें छोड़कर, तो डटा वो हुआ है, हम सिर्फ उसका साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान, इस वक्त सवाबी जलसा में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद यहाँ पहुंची हुई है, सवाबी जलसा का मुकम्मल तौर पर फुल है। सुहेल अफरीदी साहब CNW के फोकल पर्सन है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछे। अफरीदी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक इतनी आवाम इस तरफ भी जलसा है, जलसा का भी मुकम्मल तौर पर फुल है, मोटरवे भी जलसा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एक तो ये जगह इन्होंने जो है बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो है बड़ी से बड़ी जगह भी छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर ग्राउंड तो फुल है, बाहर भी लोग हैं और तकरीबन दोनों तरफ पंजाब से आने वाले लोग और यहाँ KP से आने वाले लोग, मोटरवे पर तकरीबन 10-10, 15-15 किलोमीटर तक जो है वो कतारें लगी हुई हैं। तो ये इन लोगों को ये पैगाम है कि लोगों ने फैसला कर लिया है, उनको सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में एक ही लीडर चाहिए और वो इमरान खान है, और इमरान खान ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल बदल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा अफरीदी साहब, क्या करने जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है स्टेज से कि इमरान खान आ रहा है, जल्द इमरान खान आ रहा है, इमरान खान को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे क्या इरादे हैं जो आप करने जा रहे हैं, या क्या चीज है, क्या ऐलान होने वाला है? अभी तो वो तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या चीज है? देखिए जी, अली अमीन साहब को खान साहब ने हिदायत दी हुई है और ये जो है लीडरशिप में किसी को नहीं पता कि वो क्या कहने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, उसकी तकरीर के बाद ही वो पता लगेगा। लेकिन हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ ये चीज़ जानता है कि लीडर की तरफ से जो भी हिदायत दी गई हो, चाहे वो इनकलाब की हो या इंतखाब की हो, तो दोनों के लिए हम तैयार हैं। और इस दफ़ा जो है वापसी नहीं होगी, वापसी सिर्फ एक बंदे के मुंह से हम वो अल्फाज सुनेंगे कि अब वापस जाओ, जब हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब खुद स्टेज पर आए, माइक से बोले कि अब बस, तो फिर बस, उसके अलावा हम किसी की नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को रिहा करवा के रहना है इंशाल्लाह, हर सूरत, या इमरान खान को रिहा करके जाएंगे या कफन में वापस जाएंगे। ये कब करने जा रहे हैं? क्योंकि लोग, बहुत से लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब की फाइनल कॉल होगी, कब हम बाहर निकलेंगे। इवन के लास्ट टाइम जब DHO की जन्म गए थे तो 50-60 हज़ार बंदा तो KPK से निकलाया था, पंजाब के लोग उस तरह नहीं शामिल हो सके जिस तरह होना चाहिए था, सो लोग तो लास्ट टाइम ये कसीर तादाद में निकले थे, सो क्या होने जा रहे हैं?
देखिए जी, हमने अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट की हुई है। आज मेरा पांचवा दिन है, मैंने बिल्कुल नींद ही नहीं की। सवाबी के जलसे की तैयारियां थी, कन्वेंशन ISF और इंसाफ यूथ विंग को पूरे सूबे में मोबिलाइज कर रहा हूँ। हमें तो यही लग रहा है कि तकरीबन हफ्ते 10 दिन का टाइम ही दिया जाएगा, से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल एक हफ्ते का टाइम हो या महीने का टाइम हो तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। इनके शेलिंग के लिए भी तैयार हैं, इनकी गोलियों के लिए भी तैयार हैं, इनके कंटेनर्स के लिए भी तैयार हैं, और ये इस दफा हमें हर गिज रोक नहीं पाएंगे इंशाल्लाह ताला इंकलाब लाने से। सुहेल अफरीदी साहब, आप मुराद सईद के भी दस्ते राज जानशीन या साथी दोस्त समझे जाते हैं, सो आज आप मिस कर रहे हैं अपने भाई को यहाँ पे? जी, हम तो हर वक्त मिस करते हैं उनको, क्योंकि उनसे 17 साल मुसलसल हमारा जागते उठते बैठते सब और सब एक साथ होता था, और वो जो है इमरान खान और पाकिस्तान की बातें ही करता था। हमारी सियासत का आगाज ही उसके साये तले हुआ है उन्होंने। हाँ, वो हमारे सियासी उस्ताद हैं, हर वक्त उन्हें मिस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी वसातत से मैं उसको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आप बिल्कुल जो है इस बात की फिक्र ना करें, क्योंकि वो मेरे ख्याल में 3-4 दिनों से मुसलसल ट्वीट्स कर रहा है, तो उसको परेशानी है। हम मुकम्मल तरीके से तैयार हैं, इंशाल्लाह आपकी ट्विटर पर जो हिदायत दी गई हैं उस पर मनोहन अमल किया जा रहा है, और ISF और इंसाफ यूथ विंग जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंशाल्लाह जब भी मौका आएगा और आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप हमें अपने साथ पाएंगे और हम आपकी इंशाल्लाह इन पकड़ों से हिफाजत करेंगे। ये आप ये शाहिद हटर की एक ही टीम है जो ये नजर आ रही है ये इस तरह नौजवानों के दरमियान, तो क्या कहेंगे? जी, ये नौजवान देखे, ये जो है हमारे ISF की नौजवान है, इंसाफ यूथ विंग के भी है, हम इनको लीड कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह फ्रंट से लीड करेंगे एहतजाज को इंशाल्लाह। देखें जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ शाहिद अटक हैं, सुहेल अफरीदी हैं, और यहाँ बाहर ये आवाम क्राउड में मौजूद हैं, सर क्राउड में मौजूद हैं, और यहाँ नौजवानों के साथ हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जलसा का मुकम्मल तौर पर फुल है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, चूंकि स्टेज के ऊपर रश भी बहुत ज्यादा था, हमारे दो जलसे होते हैं, एक क्राउड के और एक स्टेज के ऊपर, तो हम चाह रहे थे मैं और सुहेल अफरीदी की हम जाए अपने कारकुनान से मिले, क्योंकि यही हमारे पार्टी का सरमाया है। जब जब हमने इनको बुलाया, जिधर जिधर बुलाया, ये चले आते हैं। इन्होंने जेलें काटी है, इन्होंने हमारे लिए बड़े मुश्किलात का सामना किया है। रिसेंटली हमारे तकरीबन 4-5 हज़ार खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान गिरफ्तार हुए, हमारे ISF के टाइगर था, ये इनकी आधी से ज्यादा क्यादत जो थी वो गिरफ्तार थी, इंसाफ यूथ विंग के हमारे जिम्मेदार गिरफ्तार थे, तो ये आए हैं, तो हमने कैमरे के जलसा हम नीचे से आज इंजॉय कर लेंगे। तो क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? लास्ट ये मोमेंट है, शाम हो चुकी है, सामने मोटरवे पे यहाँ अलग जलसा है, जलसागाह से बाहर इस टाइम हम मौजूद है, आप दिखा सकते हैं जी, यहाँ अलग जलसा हो रहा है, जलसागाह में तो जलसा है ही है, तो क्या होने जा रहा है? जी देखिए, मैंने आपको सुबह भी कहा था कि सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा, और मैं अपनी ही बातों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इनके काम पे टांग जाएंगी। अब जूए अली अमीन साहब की तकरीर शुरू होगी तो आप कवर करें, आप कौम जब सुनेगी इंशाल्लाह, जो हमारी कौम चाहती है, जो कारकुनान चाहते हैं, इंशाल्लाह वही होगा।